हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी। योगी जी जब ले सबके खबर के चुप गई आवाज होगी। वाह योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी योगी जी वाह, योगी जी। दोस्तों, हंसी की इस दुनिया में आपका स्वागत है। जोगी के हंसगुल्ले, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी। दोस्तों, हंसी वो वरदान है जो भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा कि कोई भैंस मुस्कुराती हुई आपकी ओर चली आ रही है। अगर कोई जानवर हंसता हुआ दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि वो धीरे धीरे इंसान होता जा रहा है। और अगर कोई हंसी की बात पर कोई इंसान मनहूस दिखाई दे जाए आपको अपने अगल बगल, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी। योगी जी जब ले सबके खबर के चुप गई आवाज होगी। योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी। दोस्तों, एकता कपूर जी के सीरियल देख देख के घरों में क्या संस्कार आने लगे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी पिछले दिनों मुंबई गया, मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा कितने भाई बहन हो? बोला अंकल भाई बहन तो नहीं है, सगी मम्मी से चार पापा हैं और सगे पापा से तीन मम्मियाँ हैं। ये संस्कार आ गया। वो बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा, तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा, मगर सास कुछ नहीं बोली क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक सास के चार दामाद थे, तो सास ने सोचा कि दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन सा दामाद मुझे कितना प्रेम करता है। ये देखने के लिए सास नदी में कूद गई, पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दिया। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, तीसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दिया। चौथे दिन सास फिर कूद गई। अब चौथे दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई है, तो अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची है, तो साइकिल के चक्कर में वो पट्टा कूदा नहीं, बुढ़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट दी। हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी। योगी जी जब ले सबके खबर के चुप गई आवाज होगी। योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी। मल्लिका शेरावत एक मीटर कपड़ा लेके होली के दिन टेलर के पास पहुंची, बोले इसमें मेरी तीन जोड़ी ड्रेस सिल दो। टेलर ने मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा, फिर मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा, फिर मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा और पूछा कि बहन जी बाकी कपड़ा जो बचेगा उसका क्या करना? हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी। योगी जी जब ले सबके खबर के चुप गई आवाज होगी। योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी, योगी जी वाह, योगी जी। दोस्तों, मैं एक दिन मोबाइल पे बात कर रहा, मेरे एक दोस्त रवि राजावत ने पूछा किससे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा बीबी से। अरे बोले आधे घंटे बीबी से बात, इतनी देर इतनी लंबी? मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है, किसी और की है तो लगे रहो मुन्ना भाई। वो बोले पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मुझे करने पड़ते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा कुछ मत करो, दो चार घर और पकड़ लो। पत्नी मंदिर जाती है भगवान के सामने, एक ही प्रार्थना करेगी, भगवान मेरे पति को दौलत दो, पैसा दो, प्रमोशन दो, अरबपति कर दो, करोड़पति कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए ना भगवान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सब रुपया पैसा पति को दो, क्योंकि उससे कैसे लेना है मुझे पता। मैं अपनी पत्नी को लेके एक दिन कुंभ नहाने गया इलाहाबाद, मैंने कुंभ में डुबकी लगाई और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो न्याय करो, हर कुंभ में भाई भाई जुदा करते हो, एक बार पति पत्नी पर भी ट्राई करो। एक आदमी विदेश गया तो झूठ बोलने की मशीन ले आया, झूठ बोलने में थप्पड़ मारती थी,
घर रखी। अगले दिन बेटा बोला, पापा स्कूल नहीं जाऊंगा, पेट में दर्द हो रहा है। मशीन घूमी और बेटे को एक तड़ाक। बाप ने समझाया, बेटा झूठ नहीं बोलते, जब मैं तुम्हारे जितना बड़ा था कभी झूठ नहीं बोलता था। मशीन फिर घूमी बाप की तरफ और एक बाप को दिया तड़ाक। इतनी देर में माँ बोल पड़ी, बोले बेटा किसका है, तुम्ही पर गया। मशीन फिर माँ की तरफ घूमी और एक उसे भी। तो कई बार ये मशीन पोल भी खोल देती है। एक की पत्नी खो गई साथ मेरे दोस्त की। मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। बोले पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं लिखा सकते। बोले एक बार मेरी मोटरसाइकिल खो गई थी। मैंने कहा फिर रिपोर्ट लिखाई। बोले हाँ लिखाई थी। मैंने कहा मिली नहीं। बोले मिली थी मगर पुलिस वालों ने 2 महीने चला के वापस की। मेरे एक मित्र बड़े व्यापारी हैं, व्यस्त रहते हैं व्यापार में। मैंने उनसे पूछा, आप व्यापार में बहुत व्यस्त रहते हैं, घर की खबर कैसे मिलती है। बोले है ना फोन मोबाइल, पूछता रहता हूँ ऑफिस से बैठा बैठा। उन्होंने फोन किया घर में पत्नी को, हेलो क्या कर रही हो। किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। बोले मिक्सी चला के दिखाओ। पत्नी ने चला दी। फिर अगले दिन फोन किया, क्या कर रही हो। किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, मिक्सी चला के दिखाओ। फिर चला दी। फिर अगले दिन फोन किया, कहाँ हो, क्या कर रही हो। पत्नी बोली किचन में हूँ, मिक्सी चला के दिखाओ। 4 दिन बाद वो खुद ही घर आ गए दोपहर को। तो घर में रामू काम कर रहा नौकर। बोले रामू मेम साहब कहाँ हैं। बोले साहब पता नहीं मुझे, तो रोज सवेरे 9 बजे मिक्सी लेके निकलती। अच्छा पत्नियां नहीं, पति भी बहुत तेज हो गए। वो पत्नी ने पति को फोन किया ऑफिस। बोले कहाँ हो, क्या कर रहे हो। बोले ऑफिस में बहुत काम है, बहुत फाइलें हैं, बड़ा परेशान हूं। तुम कहाँ हो। बोले मैं मैकडॉनल्ड में तुम्हारे पीछे वाली सीट पे बैठी, साथ में बच्चे भी हैं और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ ये बुआ कौन बैठी। वो एक की पत्नी का अपहरण हो गया, तो उसने अपहरण के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसे एक चिट्ठी लिखी पति को कि तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है, 25 लाख रुपया भिजवा दो, साथ में उसका एक अंगूठा काट के भेज रहा हूं, 25 लाख रुपया भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। पत्नी ने कहा भाई अंगूठा तो किसी का भी हो सकता है, मुंडी भेजो मुंडी। एक की पत्नी की नौकरी लग गई हैदराबाद में, बढ़िया जॉब लग गई। वो चली गई हैदराबाद जॉब करने और उसने सोचा 1-2 दिन बाद कि भाई रहने वहने की जगह ठीक हो गई है, पति चिंता कर रहा होगा। तो उसने SMS किया पति को कि भाई खबर बता दे। वो SMS उस आदमी को मिल गया जो शमशान घाट में अपनी पत्नी को फूंक फाक के लौट रहा था। SMS पढ़ते ही बेहोश हो गया वो। SMS आया उसके मोबाइल पे कि मैं यहाँ ठीक ठाक पहुंच गई हूँ, रहने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, तुम चिंता ना करना, 2-3 दिन में तुम्हें भी यहीं बुला लूंगी। तो भैया पत्नी तो सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हो तो खुद को शेर समझो और पत्नी को शेरावाली माँ। एक शेर मुझे याद आता है कि ये शादी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी। दोस्तों एक बार एक महिला बिस्किट का पैकेट चोरी करती पकड़ी गई। जज ने पूछा चोरी तुमने की, बोली हाँ की। जज ने कहा पैकेट में कितने बिस्किट थे, बोली साहब 10 थे। बोले ठीक है तुम्हें 10 दिन की कैद दी जाती है। इतने में पीछे कोर्ट में बैठा पति बोल पड़ा, अरे बोले जज साहब इसने एक मुरमुरे का पैकेट भी चुराया था। एक आदमी ने 25वीं बार रक्तदान किया तो ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया और कहा कि मैडम आपने नहीं लिया, और कहा कि मैडम आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक ने मोबाइल मैरिज ब्यूरो पर फोन किया, आवाज आई रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। इतने में वो बीच में बोल पड़ा और बोले दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं, आवाज आई दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। पत्नी ने पति से पूछा क्यों जी जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप मुझे बड़े मीठे मीठे नामों से बुलाते थे, मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी,
मेरी रबड़ी अब क्यों नहीं बुलाते? पति बोला, बेवकूफ, दूध की मिठाई इससे ज्यादा दिन कहाँ ताजी रहती। वो एक प्रेमिका को लेके घूम रहा था बाजार में, पति ने देख लिया, पति ने बॉयफ्रेंड की पिटाई शुरू कर दी। तो महिला को जोश आ गया, बोले मारो मारो इस कमीने को और मारो, अपनी पत्नी घर में बैठी है, दूसरे की पत्नी को घुमाने निकले हैं, मारो। थोड़ी देर बाद बॉयफ्रेंड ने पति को मारना शुरू कर दिया। तो महिला फिर बोली, बोले मार इस कमीने को और मार, खुद अपनी पत्नी को घुमाते नहीं है और दूसरे को घुमाने नहीं दे। हर बात पे वाह-वाह होगी, योगी जी जब ले सबके खबर के चुप गई आवाज होगी। वाह योगी जी, योगी जी, वाह योगी जी, योगी जी, वाह योगी जी, योगी जी। दोस्तों, इस धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आप समझ लें कि आप भगवान के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो क्या करता है, आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो आपको भगवान के पास भेज देता है। एक का ऑपरेशन चल रहा, बड़ा लंबा ऑपरेशन चला, मरीज की आंख खुली तो उसने पूछा, डॉक्टर साहब इसका मतलब अब मैं बीमारी से एकदम मुक्त हूं? आवाज आई, बेटा डॉक्टर तो नीचे रह गया, मैं तो चित्रगुप्त हूं। वो एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया मरीज का, पहला ऑपरेशन था, मरीज चल बसा। तो डॉक्टर रिश्तेदारों के पास नहीं गया बाहर बताने, वो भगवान की मूर्ति लगा रखी थी, सीधे वहां गया और बोला, प्रभु मेरी पहली भेंट स्वीकार कर। आपने देखा होगा डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाता है, कोई भी डॉक्टर, तो सिरिंज को लेके ऐसे करता है ऊपर, इसका मतलब आपने कभी सोचा? वो कहता है, भगवान तेरे भरोसे ठोक रहा हूं। मान लेना, कोई भी डॉक्टर हो, कभी भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा पर्चे पे तो आप उसे पढ़ ही नहीं सकते, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला चाहे आठवीं पास हो, देखते ही समझ जाता है। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कभी मैं नहीं पढ़ पा रहा दवाइयां, कोई नहीं पढ़ पाता, तुम क्या पढ़ लेते हो, क्या लिखा है? उसने कहा, इसमें डॉक्टर ने लिखा है, मैंने इसे लूट लिया, अब तेरी बारी है। एक डॉक्टर ने नर्स से ब्याह रचाया, बाद में बहुत पछताया, बोला ये अपने दिल का राज कभी खोलती नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर ना बुलाए बोलती नहीं। दोस्तों, एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को लेके हॉस्पिटल गया और एडमिट कराने के बाद नर्स से बोला कि देखो बाहर रिश्तेदार बैठे होंगे, बाकी लोग होंगे, इशारे में बताना, अगर लड़की पैदा हो तो कहना प्याज हुई है, और लड़का पैदा हो तो कहना टमाटर हुआ है साहब। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही पैदा हो गए जुड़वा। नर्स बाहर आके बोली, साहब सलाद हुआ है। वो एक डॉक्टर के पास गया मरीज, बोले डॉक्टर साहब पैर में बीमारी हो गई है, ठीक कर दोगे? बोले कर देंगे, और काय के लिए यहां बैठे हैं, दिखाओ पैर। अब दिखा नहीं सकता, आप हंसोगे? बोले नहीं हंसूंगा भाई। बोले नहीं हंसोगे? बोले नहीं हंसूंगा। अरे बोले हंसे तो फिर आधी फीस माफ करनी पड़ेगी। बोले ठीक है माफ करेंगे। वो मरीज ने टांग दिखाई तो बिल्कुल वो हॉकी की स्टिक की तरह एकदम पतली, माइक के डंडे जैसी। डॉक्टर को हंसी छूट गई, बोले साहब देखो आधी फीस मेरी माफ हो गई। डॉक्टर ने कहा चल ठीक है, माफ कर दी, अब चल बीमारी बता। बोले नहीं डॉक्टर साहब आप फिर हंसोगे? अरे बोले नहीं हंसूंगा। अरे बोले डॉक्टर साहब आप हंसोगे? बोले नहीं हंसूंगा। बोले हंसे तो फिर फीस नहीं दूंगा मैं। बोले हाँ मत देना, बता क्या बीमारी है। बोले डॉक्टर साहब इस टांग पे थोड़ी सूजन सी आ रही है। एक मुझे बता रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल में गुलाब आ रहे हैं, सुबह शाम नर्सों के ख्वाब आ रहे हैं, जिन्हें खत लिखे थे जवानी में मैंने, बुढ़ापे में उनके जवाब आ रहे हैं। हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी, योगी जी जब ले सबके खबर के चुप गई आवाज होगी। वाह योगी जी, योगी जी, वाह योगी जी, योगी जी, वाह योगी जी। प्यार में क्या होता है कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना और वो मेरी हीर हो गई,
खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे कि वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गए। याद एक ऐसा रोग है जिसमें न एलोपैथी काम आती है न होम्योपैथी काम आती है, बस सिंपैथी काम। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि जोगी जी ये बताएं कि आदमी को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मैंने कहा हमेशा लव मैरिज करनी चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है। इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पे मैं सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम। हर एक सीने में एक दिल जवान रहता है, मेरे भी दिल में एक मेहरबान रहता है, मैं उस गली से मोहब्बत करूं तो कैसे करूं, उसी गली में एक पहलवान रहता है। हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी, जोगी जी जब ले सबके कमर के चुप्पी कई आवाज होगी। जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी। वो सेठ जी को बुखार बहुत तेज, सेठानी बगल में बैठी खिड़की से मुर्गा देख रहा। सेठानी ने सेठ जी के सर पे हाथ रख के कहा आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना के लाती हूँ। चिकन सूप का नाम सुनते ही मुर्गे के पसीने आ गए और बोला सेठानी जी एक बार क्रोसिन देके भी देख लो। मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की जरूरत नहीं। बकरे ने बकरी को, प्रेम तो कहीं भी हो सकता है, वो बकरी ने बकरे को आई लव यू कह दिया तो बकरा बोला आप क्या फायदा, कल तो बकरी है। हर बात पे वाह-वाह होगी, हर बात पे वाह-वाह होगी, जोगी जी जब ले सबके कमर के चुप्पी कई आवाज होगी। जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी, जोगी जी। दोस्तों बच्चे इतने कमाल के हैं कि बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, उसके बाद तो जीजा जी को ही रोना। एक छोटा सा बच्चा मैंने पूछा नाम क्या है, बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? वो बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवान निसार हो गया। वो मास्टर ने बच्चे से पूछा बेटा रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बच्चे ने कहा क्योंकि मास्टर जी उस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में पहुंचे। वो मास्टर को भूख लगी, बच्चे खाना लाए थे, एक बच्चे का टिफिन चट कर गया मास्टर, बाद में वो डरा, अरे बोले मास्टर ये बच्चा घर में शिकायत करेगा तो गार्जियन कुछ कह सकते हैं। तो उसने बच्चे को पुचकार के कहा बोले बेटा तुम्हें नंबर बढ़िया दूंगा लेकिन घर जाके बताना मत कि मैंने तेरा लंच खाया है। बच्चा बोला चिंता ना करो मास्टर जी, घर वाले पूछेंगे, मम्मी पूछेगी तो मैं कहूंगा कि मेरा लंच कुत्ता खा गया। वो एक डान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, मास्टर ने बच्चे से पूछा 4 संतरे 5 लोगों में कैसे बांटोगे? डॉन का बच्चा था, बोला मास्टर जी एक को टपका देंगे। मास्टर ने कहा बेवकूफ जूस बना के भी तो बांट सकता था। बच्चे ने कहा मैं डॉन का बेटा हूं, कोई जूस वाले का नहीं हूं, मैं क्या इस तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में संतरे के चक्कर में अपना खानदानी धंधा छोड़ दूं। एक बच्चा घर के बाहर बैठा था, अंदर धूमधड़ाम की आवाजें आ रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आवाजें कैसी? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा पिताजी घर में हैं? बोले हाँ हैं। मैंने कहा आवाजें? तो कुछ नहीं, मम्मी कपड़े कूट रही हैं। मैंने कहा कपड़ों से तो ऐसी आवाजें नहीं आती। वो बोला हो सकता है कपड़ों में पिताजी भी हैं। वो दो बच्चे 12वीं क्लास में फेल हो गए तो बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर पहुंचे आत्महत्या करने के लिए, कूदने ही वाले थे कि एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बोले क्या बेवकूफी कर रहे हैं यार, सोचो तो, घिसट घिसट के 12वीं तक पहुंचे, रगड़ रगड़ के
अगर कूद गए ना बेटा तो अगले जन्म में फिर से नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। मैं घर गया किसी बहुत सारे टूर करने के बाद, तो मैंने देखा कि पत्नी बोल नहीं रही, तो मैं थोड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो बातें सुनने से बच गया। 5 घंटे हो गए तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरी माँ बोल क्यों नहीं रही? बोले कुछ नहीं पापा, लिप गार्ड मांगा था, मैंने गलती से फेविक्विक दे दिया। मैंने कहा तू बड़ा होनहार बच्चा है, रोज ये काम किया कर, तेरी एक चॉकलेट फिक्स। दोस्तों अनपढ़ बीबी को समझाया, पत्र लिखो तो ऐसे, ऊपर लिखो प्राणों से प्रिय, नीचे चरणों की दासी। पहला पत्र पढ़ा जब उसका सर चकराया मेरा, ऊपर लिखा चरणदास नीचे प्राणों की प्यास। दोस्तों सही औरत के पीछे भागोगे तो रॉबर्ट बढ़ेरा बनोगे, गलत औरत के पीछे भागोगे तो विजय माल्या बनोगे, एक औरत के पीछे भागोगे तो मनमोहन सिंह बनोगे, औरत के पीछे नहीं भागोगे तो नरेंद्र मोदी बनोगे, और बहुत सारी औरतों के पीछे भागोगे तो पछताओगे, आसाराम बापू बन जाओगे। मेरे एक मित्र रवि राजावत निर्मल बाबा के दरबार में पहुंचे। बोले बाबा बड़े परेशान हो, बहुत परेशान हूं बाबा। क्या हुआ? मुझसे लड़की नहीं पटती। बाबा ने पूछा पर्स में किसका फोटो रखते हो? रवि जी बोले बजरंग बली जी का। बाबा बोले दिग्विजय सिंह की रखा करो, सीता आनी शुरू हो जाए। दोस्तों गांधी जी के एक दोस्त पर खून का झूठा इल्जाम लगा, गांधी जी ने मुकदमा लड़ा और उसे बचा लिया। वो गांधी जी का भक्त बन गया, शुक्रगुजार हुआ और बोला बापू कल जब आप नहीं होंगे तो हम बेगुनाहों को गरीबों को कौन बचाएगा? बापू बोले चिंता ना करो, नोट पर लगी मेरी फोटो से सब काम हो जाएगा। एक कवि ने एक जगह एक कवि सम्मेलन में लंबी कविता सुना दी। वो सामने बैठा वीआईपी चल बसा, 80-85 साल का था कोई नेता, कविता सुनने की आदत थी नहीं। कवि को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने ले जाया गया। जज साहब ने कहा कवि तूने इतनी लंबी कविता क्यों सुनाई कि देश का एक वीआईपी कम हो गया, तुझे सजा मिलेगी और फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की हालत क्या है? अदालत में वकील बहस कर रहा, जज साहब मैं कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर अपने मुवक्किल को बेइज्जत बरी करने की दरखास्त करता हूं। जज ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। मुंशी कानून की किताब लाया, जज ने पलट के पेज नंबर 15 निकाला, हजार हजार रुपए के 10 कड़कड़ाते नोट रखे। जज ने किताब उठा के दराज में रखी और बोला इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। वो एक दादाजी 75 साल की अवस्था में योग सीखने पहुंच गए, कपाल भांति अनुलोम विलोम धका धक धका धक धका धक 90 साल तक जिए, मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग। देखा अप्सराएं डांस कर रही, क्लब चल रहे, शराब बट रही, मौज मस्ती हो रही। दादाजी थोड़ी देर तो ड्रामा देखते रहे, भौचक्के रह गए, फिर माथे पर हाथ मार के बोले ये रामदेव ने मरवा दिया, वरना 15 साल पहले यहां आ जा। जीवन के प्रति मोह तो कम हुआ है। ये घटनाएं हमें संदेश देती। रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मी लॉर्ड जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। 4 पंक्तियां अंत में कहता हूं इस सीडी के, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। तो आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, इसी कामना के साथ मैं सुनील जोगी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
हर बात पे वाह होगी, हर बात पे वाह होगी। योगी जी जब ले सबके कमर के चुप्पी गई आवाज होगी। योगी जी, योगी जी, योगी जी।